request Qibla Maulana Arshad Tarabi to come and recite upon the fourth night of Muharram. Narae Allahu Akbar. Narae Takbir. Allahu Akbar. Narae Risala. Ya Rasulullah. Narae Risala. Ya Rasulullah. Narae Haydari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahillazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina. Thumma salatu wa salamu ala rasulihi al-musaddad ونزيره المؤيد المصطفى الأمجد المحبوب الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا من الحسين صلى الله تكبير الله أكبر ما شاء الله نعرہ تكبير الله أكبر اسی عبادت کو درجہ عزت اور درجہ قبولیت عطا اللہ مالک آج کا जो तबर्रुक है एन बी कैश एंड कैरी के जो मालिक खान है भाई बिलाल और नकीब नकीब भाई और बिलाल भाई उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात है और उन्होंने हुसैनी है उन्होंने तबर्रुक के हुसैन दिया है मदरसे हुसैन का तबर्रुक मालिक उनके रिस्क में इज्जत में अबरू में इजाफा उनके घरों से बीमारियों को खत्म जितने मोमिन के हाथ शरीफ फरमाए मोमिनात हम सब के मरमूमिन की बख्शिश फरमाए या रब्बल आलमीन हुज्जत खुदा का ज़हूर फरमाए या रब्बल आलमीन ये असदारी एज ए रस्म नहीं इसे इबादत समझ कर निभाने की बजा लाने की तौफीक अता फरमाए सेक्टर साहब बीमार हैं बाबा जी साबर हैं और बुजुर्ग जो बीमार हैं मालिक तमाम को सेहत और सलामती अता फरमाए आज जो मोमिना फौत हुई है आंटी सुबैया बेगम मरहुमा मालिक उनके दर्जा भाई आबिद हुसैन ज़ाकिर अहले बैत के दर्जा गुलाम अब्बास भाई मरहूम के दर्जा बुलंद फरमा बट साहब और बाकी बहुत सारे मोमिनीन हैं जो नहीं उसमें नाम सब के लिए जा सकते मालिक तमाम मोमिनीन के और जब पूरी कायनात में जो उलमा इकराम फौत हुए जो मौला के नुहा खान फौत हुए जो मौला के मातमी फौत हुए जो मौला का फर्श अज़ा बिछाने वाले चले गए और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला तो तमाम को इस मजलिस से अल्लाह का सवाब हुज्जत खुदा का मालिक जल्दी जरूर सवाए अपने किसी का मोहताज ना कर मिल के खूबसूरत सलवा सरकार मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा अल्लाह के चुने हुए बरगुजीदा बंदे जिनका नाम अर्श पे अहमद फर्श पे मोहम्मद कुरान जिनकी हर हर लम्हे की कस्मे खा के अपना कद बढ़ाता है नबी मुअज्जम जब कभी दो जिंदगी है सरकार की एक मक्का की जिंदगी है और एक मदीना की जिंदगी है तो मक्का में जब भी कभी सिटी से बाहर जाते थे आउट सर्कल में जब भी जाते थे तो सबसे काबा के अंदर जा माशाल्लाह नबी पाक की ये सुन्नत थी नबी पाक का तरीका था नबी पाक का वतीरा था नबी पाक का इस तरह ही हर रोज रूटीन वर्क ये था जैसे ही मक्का से बाहर जाना होता तो काबा को सलाम करते और जब मक्का में वापसी एंट्री होती तो अपने घर जाने की बजाय मक्का में अंदर दाखिल होते शहर में दाखिल होके काबा को पहले सलाम करते माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है काबा को सलाम करके फिर अपने घर जाते
माशाल्लाह। अब ये काबा का सलाम जाते हुए करना और काबा का सलाम आते हुए करना यकीनन अल्लाह का घर है, बेशक। तो नबी जब सलाम करे जिसे दुनिया सलाम करे, मैं कहता हूँ देखो हम शिया है, अब खड़े होकर नबी पाक पे सलाम है सलाम तो सलाम वाले का वो सलाम ना पढ़े तो वो कहते हैं हमारी रातों भी काबा को सलाम, वापसी आते हुए सलाम। अब जब सरकार ने माइग्रेट कर लिया, हिजरत कर ली, तो मदीना पहुंच गए। जब मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचकर काबा तो है नहीं, बड़ी इबादत भी छोड़ना नहीं चाहते और यहाँ काबा भी मौजूद नहीं है। अब क्या करते थे कि नबी की इबादत में कमी वाक्या ना हो, नबी की इबादत में कम दर्जा ना हो तो क्या करते थे? अब नबी पाक ने फरमाया कि जब मैं मदीना से बाहर जाऊंगा तो जाना भी पड़ता है, सरकारी काम है, ये जॉब ही इतनी अहम है कि जाना पड़ता है, कभी बाहर कभी अंदर कभी गलियों में कभी किस तरीके से। अच्छा तो पाक नंबर यार सुनोगा अब आप क्या करते हैं? सरकार ने फरमाया जब मैं मदीने से बाहर जाने का इरादा करता हूँ तो सबसे पहले मैं बतूल की जवाब देना, ठीक है? तो पाक पैगंबर जैसे मदीने से बाहर जाते पहले बतूल के घर की बतूल की ज़ियारत करते, और फिर जब मदीने में काम फिनिश करके मदीने से बाहर अंदर दाखिल होते तो किसी और जगह नहीं जाते, कहीं और नहीं जाते, आके सबसे पहले बतूल की ज़ियारत करते। ये भी एक राज है कि सबके दरवाजे मस्जिद से बंद हुए, अली का नहीं हुआ, क्योंकि मस्जिद है अल्लाह का घर और अल्लाह के घर में है अल्लाह की कनीज जनाब सैयदा, तो आके ज़ियारत करते। अब यह एक फर्क है यार अल्लाह या रसूल अल्लाह, बड़ी इबादत कौन सी है, खाना काबा में जाके आते जाते इबादत करना या बतूल के घर में आते जाते इबादत करना? कहा बड़ी इबादत वो है जहां मुझ मोहम्मद को भी इजाजत लेके जाना पड़ता है। मोहम्मद को भी इजाजत लेना पड़ती है, मैं वो मोहम्मद हूँ अर्श पे चुकियों समय चला जा रहा जहां मोहम्मद को भी इजाजत ले रहा है और
मस्जिद नबवी का दरवाजा नहीं है, वो मस्जिद कुबा का दरवाजा नहीं है, मस्जिद किबला तैन का दरवाजा नहीं है, या अल्लाह वो कौन सा दरवाजा है? कहा ये वो दरवाजा, जुमला देने जा रहा हूं, ये वो दरवाजा है जिसके लिए मैं हमेशा ख्वाहिश करता रहा कि वो हुसैन की माँ का है, और मैं चाहता रहा काश के मैं मोहम्मद भी हुसैन हो। आपका नौकर हूं ना,
350 साल की उम्र मिल गई है, झुकी हुई कमर को जब आपका नाम लेता हूँ सीधा कर लेता हूँ। बिल्कुल बेकार था यह अल्लाह, बेकार था। आपकी मोहब्बत ने मुझे इस काबिल बना दिया, आपने मिन्ना आदल बैत का तमगाए अकीदत मुझे दिया है। हसनैन मुझे चचा कहते हैं, हसनैन मुझे नाना कहते हैं, जहरा मुझे चचा कहती है, इससे बड़ा क्या। अच्छा सलमान, फिर भी सलमान ने अपना शिकायत पर अगर नाराज ना हो तो जरा अली से पूछू ना, अली किससे प्यार था। मौला फरमाते हैं या रसूलल्लाह कायनात सरदार है, तफरीक करते 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 सरदार मुझ अली को भी जो दिल को भाता है उसे हुसैन कहते हैं। इसे ना मेरे दिमाग में आ गया तो आपको बयान कर दूं, ये मैंने तस्दीक भी की किबला साहब से फोन किया, उन्होंने थोड़े दिन पहले अपने वो बयान भी कर दिए किताब में, उनके दोस्त हैं बड़े अच्छे, मेरे भी दोस्त हैं मौलाना अब्दुल करीम साहब हैं जो उनके लिए मुताले भी करते हैं, उनके वहाँ लाइब्रेरी में होते हैं, तो रवायत उन्होंने पढ़ी तो मुझे फोन किया, तो मैंने मेंबर भी बयान कर दी, मोहन ने इतराज कर दिया, इतराज कर दिया, तो मैंने फिर अला शेख साहब ने कहा आपकी लाइब्रेरी में फलां किताब है, तो भाई करीम साहब ने बताया कि उन्होंने कहा रवायत ठीक है, मैंने भी पढ़ दिया। सुबहानअल्लाह, रवायत क्या थी, हसनैन शरीफ है, एक दफा दोनों आपस में कुश्ती कर रहे, मासूम कुश्ती नहीं करता, इसे इस एंगल में लेना है कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। हमारे अल्फाज छोटे हैं, ज़ेहन छोटा है, परवाज छोटी है, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में लगी मिट्टी की परवाज ज्यादा, तो हम अल्फाज तो नहीं बयान कर सकते, मगर रवायत में जो है करते करते तो उसके बाद थोड़ा ना सरकार जो है थोड़ी देर के बाद जनाबे ज़हरा देख रहे हैं और पैगंबर सलाम सामने हैं और वो मौला हुसैन सलाम का साथ देने लगे, हुसैन अब ऐसे पकड़ो, हुसैन अब इधर से पकड़ो, हुसैन अब ऐसे करो, तो जनाबे सजदा घर का काम छोड़ के आ गए। बाबा क्या वजह है, आपने हसन का काम हुसैन की तरफ क्यों है, कहा देख रहा था अब तक जिब्राइल हसन का साथ दे रहा था। इतनी खूबसूरत हदीस के ऊपर आपने माशाल्लाह तवज्जो फरमाई कि जब जिब्राइल हसन का साथ दे रहा था तो मैं मोहम्मद हुसैन का साथ पूछा, फिर मौलाना से पूछा, मौलाना की बात पर कहा सर या रसूलल्लाह आप सबसे बड़े, जरा बता दीजिए आपको किससे प्यार है। नबी ने फरमाया कायनात में कोई नहीं है इस दिल में सवाई हुसैन, और मैं घर गया, घर जाकर बाबा सैयदा से पूछा, कहा बाबा आपने मेरी जान कुर्बान है, आपको पता है बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अली की विलायत के लिए मुझे जितना सफर करना पड़े, जितनी मुसीबतें झेलनी पड़े, मैं ज़हरा झेलूंगी, लेकिन मुझ ज़हरा को भी पूरी कायनात में सबसे प्यारा हुसैन। हुसैन वो जिसके होने की नबी की ख्वाहिश करे, ठीक है, और उसके बाद अब ज्यादा पढ़ते ही जितने ज्यादा बादशाह लगी ज्यादा बादशाह, ठीक है, अब हुसैन है क्या, क्या करते हैं आप, करते हैं ना मुकाबा की तरफ या कर्बला की तरफ, क्या सलाम अलैका या वारिस आदम मस्जिद पर, ये कहते हो ना अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहिम खलील अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस मुहम्मद नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सिफत अल्लाह, ए अस्सलाम अलैका सिंगल सिंगल मेरा ए हुसैन आप पर सलाम हो जो आदम के भी वारिस हो, सिर्फ नाम का नहीं और आदम की सिफतें भी आप में हैं। आदम के भी वारिस और सिफतों के भी आप वारिस, नूह के भी वारिस, नूह की सिफतों के भी वारिस, यानी नूह के अंदर सिफतें कौन सी हैं, नजीउल्लाह, जितनी उस वक्त मखलूक थी जिन्होंने नूह का साथ दिया उन सब को बचाना नूह अलैहिस्सलाम पर वाजिब था, ये सिफत है नूह अलैहिस्सलाम की, कश्ती बनाई बचाने के लिए,
ठीक है, जब कश्ती बना रहे तो ऐलान तो पहले किया 6 महीने, 6 महीने तक वो ट्री उगते रहे, 6 महीने तक ऐलान करते रहे। और एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम था सहला, और वो छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई थी और झोंपड़ी में मुसल्ला बिछाया हुआ था, और वो आ जाती थी, या अल्लाह के नबी, या नूहुल्लाह, या अल्लाह के नबी, या अल्लाह के रसूल। नाम था अब्दुल जब्बार या अब्दुल गफ्फार। नूह इसलिए कहते थे क्योंकि सारा दिन काम भी करते थे और हुसैन पर नोहा भी पढ़ते थे। इसलिए नूह को नूह कहते, नोहा पढ़ने वाला। ठीक है, जब आज बीबी आती थी बुलाने के बाद कहा, यार अल्लाह के नबी आज जो है ना, मैं जब आप कश्ती तैयार हो गए मुझे बुला लेना, मैं मुसल्ले पर होंगी, मैं सोऊंगी नहीं, मैं जागती रहूंगी, रात का वक्त भी होगा, मुझे बुला लेना। पूरी औरत का है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की, लोग सवार हो गए, पानी आ गया, सब कुछ हो गया, कश्ती प्रवास कर दी। 6 महीने तक, 6 मंथ कंटिन्यू इस जमीन पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां सूखी हो, सारा पानी पानी था, हाथ में मलिया मेट हो गया, सब कुछ बिल्कुल वैसा जो था वैसा न रहा। जैसे 6 महीने के बाद कोहे चूदी पर ये कश्ती ठहरी, और ठहरने के बाद फिर सारी कश्ती को बाहर उठा के सरकार रास्ता रास्ता वापस, जनाबे घर था सरकार का मस्जिद कुफा में, वहां तशरीफ लाए। जैसे तशरीफ लाए तो पानी उतर गया, सब कुछ हो गया। जैसे सब कुछ हो गया तो होने के बाद जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के बाद पास वही बीबी आई, और आने के बाद कहा, नूह क्या वजह है, मैं मुसल्ले में थी, तूने मुझे बुलाया ही नहीं। इसके नाम पर मस्जिद सहला हर नबी ने वहां सजदा किया है, हत्ता के आखिर में जाके छठे इमाम का भी मकाम वहां, इस जमाने के इमाम का भी मकाम वहां, और चौथे इमाम का भी मकाम वहां, साकरन के अंबिया सरदार अंबिया का भी मकाम वहां है। तो हर नबी ने वहां जाके नमाजें पढ़ी, और वो क्या वजह के तवज्जो करते रामी कि जब तुम कश्ती बना रहे थे हर रोज तो मैं आती थी, कश्ती के कील मैंने देखे, तूने आखिरी 5 कील लगाए, पहला कील लगाया उसमें से नूर निकला, दूसरा लगाया उसमें से नूर निकला, तीसरा लगाया उसमें से नूर निकला, चौथा लगाया और वो हिजाब में लिपटा हुआ आसमान पे चला गया, पांचवा लगाया उसमें खून निकला। उस वक्त तक तो मैं थी, फिर हुआ क्या, कहा वो पांचवा जो खून निकला था क्यों करबला वाले हुसैन का था, मैं नौहा पढ़ने में मसरूफ था इसलिए तुझे नहीं बुला सकता। उनकी सिफतों के वारिस हुसैन, इब्राहिम और इब्राहिम की सिफतों के वारिस हुसैन। ठीक है, जुमला में देखिए, जल्दी आगे जाना चाहता हूं, आज नाम मुसलम इब्न अकील का। ठीक है, हालांकि मैंने रवायत पढ़ी थी भाई गुलाम अब्बास के काम भाई मुबारक का, तो मैं चाहता था वो कंप्लीट करो, चलो कल कर देंगे, बड़ा सफर है बाकी। अच्छा, ए मोहम्मद मुस्तफा के और मोहम्मद मुस्तफा की सिफतों के वारिस, अली के और अली की सिफतों के वारिस। आज सब जुमला एक होगा वारिस का, वारिस बंदा कब बनता है? ठीक है, अल्लामा शेख सद्दूक ने क्या लिखा, मल्ला यहदर फकीम में मलकियत का, मलकियत कैसे बनती है, वारिस कैसे बनता है, उन्होंने उसमें क्या लिखा था, वारिस बंदा तब बनता है, उस वक्त बंदा वारिस होता है अगर उसे कहा जाए कि मेरे बेटे को कहा जाए कि बेटा तुम इस फोन के वारिस हो, पहले मैं इस फोन का उसका बाप, मेरा बेटा मैं उसका बाप, पहले मैं इसका मालिक बनूंगा फिर मेरा बेटा इसका वारिस बनेगा। फिर समझिए, जो भी चीज किसी का कोई वारिस बनता है पहले उसका बाप उसका मालिक बनता है, फिर वो उसका बेटा उसका वारिस बनता है। नंबर दो, या वो चीज उस बंदे ने जिस मेरा बेटा वारिस बन रहा है, तो मैंने वो चीज खुद पैसे देके खरीदी हो,
मेरी मलकियत में आएगी शायद तो मेरा बेटा वारिस बनेगा। अब हुसैन वारिस है आदम के और हुसैन के बाबा का नाम है अली। अंबिया ये बात समझानी बड़ी मुश्किल है बाबा, और मेरे लफ्जों में तो इतनी ताकत ही नहीं है। आप परवाह थोड़ी सी ऊंची करेंगे, हजरत आदम का वारिस आदम की सिफतों का वारिस, नूह का वारिस नूह की सिफतों का वारिस, इब्राहिम का वारिस इब्राहिम की सिफतों का वारिस, अब किस किस नबी का वारिस है, किस किस नबी की सिफतों का वारिस है, वारिस हुसैन है, हुसैन का बाबा अली है, अली मालिक है आदम का, नूह का मालिक है, इब्राहिम का मालिक है, किस किस का हुसैन वारिस है, पहले अली उसका मालिक। और वारिस बंदा तब बनता है जब वारिस बनने वाले की का बाप मालिक हो। कुरान की आयत पढ़ो, अन्नबियो औला बिल मोमिनी, अलिफ लाम जो इस आयत के ऊपर अन्नबी है, इसका मतलब हर नबी नहीं है, इस अलिफ लाम का मतलब सिर्फ सरकारे मोहम्मद मुस्तफा अच्छा मैं तो अभी स्टार्ट हुआ और आप थक भी है, इतनी सुस्त इतनी छोटी सलवार। अच्छा अपने अपने गुलाम की बख्शिश के लिए मौला की बारगाह में अपनी इबादत की बोलने के लिए रमिल के बावाज अब सलवार पढ़ रहे हैं। नबी से मुराद हमारे नबी सरकार मुस्तफा, औला औला बमानी मौला, माशाल्लाह। मोमिनीन से मुराद हम मोमिन नहीं, कौन कुरान कह रहे, मोमिनीन से मुराद मोमिन आदम, माशाल्लाह। तवज्जो। अच्छा ये दो चार बंदे बोलते हैं जा रहे, इतना शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, तुहानू नहीं पता कि मजलिस हो रही है, तुसी कोई खास कर ले तो सारे बोल पे करो यार, बड़ा प्यार तो बड़ा बल्ला है, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी अल्लाह, आके देखो बंदे थक गया, तो फिर ठीक बनेगा, सारे बोल के लाकर बन गए। अच्छा वो ही ट्रेन उठे यार, चलो मेरी फीस लेना यार, एंड में मंडल लेना सारे, फिर खुश जे राजी जे मैं मिंबर पे बैठ गया हूं, ठीक है, अल्लाह आपको बड़ा रिस्क देगा, बड़ा मौला आपको इज्जत देगा, जो हुसैन पर कुर्बान करता है, पर इस्लाम की हदीस है, जो मेरे बेटे हुसैन की अज़ादारी पर एक रुपया एक दिरहम खर्च करता है, मैं मोहम्मद उसके दुनिया और आखिरत के रिज़्क का ज़ामिन हूँ। छोटा दिन न किया करोगे तो बदल दे रहे हैं, कड़ी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, गोश्त बनाएंगे, जो बनाओगे मौला फरमाते तुम यहाँ कड़ी बनाते हो, तुम यहाँ चावल बनाते हो, तुम यहाँ सेब बांटते हो, केले बांटते हो, मैं अपने नाना को सिफारिश करूंगा, इसके बदल में तुम्हें जन्नत में वो जन्नत वाली कड़ी मिलेगी, जन्नत में जन्नत वाला सेब मिलेगा, जन्नत में जन्नत वाला एप्पल मिलेगा, क्या हो गया क्यों घबरा रहे हो, उनके बाबा ने बुलंद नारा है आदम का, मेरा नबी मौला है नूह का, मेरा नबी मौला इब्राहिम का, मेरा नबी मौला जिब्रील का, मेरा नबी मौला इदरीस का, मेरा नबी मौला ईसा का, मेरा नबी मौला मूसा का, मेरा नबी मौला है इब्राहिम का, मेरा नबी मौला है इसहाक का,
میرا نبی مولا ہے اسماعیل کا تو اب اللہ کے رسول کا آخری حج کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل یہ تم نے پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا 1,24,000 بالکل نیو حاجیوں میں اللہ کے نبی نے بازو علی کا پکڑنے کہا تھا من کن تو مولا سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں کوئی کسی پہ اٹیک نہیں تھوڑی بہت مزہ والی بات پیار والی بات مطلب تاکہ آپ لوگ جاگتے رہے سلسلہ ورنہ یقین مانے ہمارے پڑھنے سے زیادہ آپ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے آپ گھر سے عبادت کے لیے آئے کام چھوڑا سب کچھ چھوڑا بچے چھوڑے گھر چھوڑا صرف عبادت کے لیے آئے اور یہی عبادت ہے کہ حسین اور حسین کے خاندان کے فضائل سن کے خوش ہو گئے اور ان کے مسائل سن کے روئے گئے ٹھیک ہے تو اب اولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے جس جس کا میں مولا آدم کے مولا ہے نا تو مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کے مولا ہے اس کی جان پر مال کا عزت کا زندگی کا سونے کا بیٹھنے کا جنت میں لے جانے کا کھیتا اس کے پاس ہو جو آپ کے تصرف کا سب کا ہو آپ کی زندگی بڑھانا چاہے بڑھا دے گھٹانا چاہے گھٹا دے آپ کا رزق بڑھوانا چاہے نہ سے بڑھوا دے گھٹانا چاہے گھٹا دے تو وہ ہوتا ہے مولا اب سمجھ میں آیا جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ حسین ہے وارث انبیاء تو وارث وہ ہوتا ہے جس کا باپ ہو ان کا مولا کیونکہ بابا نے بڑا سلوات پڑھ دی تو حسین ابن علی نے اپنا سکہ اور اپنا اعتماد والا کیوں مولا نے بنایا کیوں وارث بنایا کیوں سرکار فرماتے ہیں پوری کائنات میں پاک پیغمبر فرماتے ہیں پوری کائنات میں صرف مجھے ایک حسین ایسا ملا جس کو میں کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے اعتماد والا ہے یہ میرے بھروسے والا ہے علی کو میں کہہ سکتا میرے بھروسے والا ہے حسن کو لیکن کیونکہ یہ وارث انبیاء ہے اور جتنا بھی اسلام ہے وہ انبیاء میں ہے جتنا بھی کلام الہی ہے وہ انبیاء میں ہے جتنا بھی دین ہے وہ انبیاء میں ہے اور جتنا دین سارے انبیاء میں ہے وہ سارا دین اکیلے حسین میں ہے بڑی بڑی کیا بات یا اور یہ جتنا بھروسہ سارے انبیاء کا تھا وہ حسین کے پاس جتنا دین حسین کے پاس اور حسین ابن علی نے پوری کائنات میں ایک بنی ہاشم کے جوانوں میں سے ایک جوان کے لیے 12,000 لیٹرز کے جواب میں خط لکھ کے بتایا کہ ہاذا رجل ثقتی و معتمدی یہ مسلم ابن عقیل میرا اعتماد ہے یہ میرا بھروسہ ہے میں فضائل بھی پڑھوں گا فضائل پڑھوں گا اور میں نے مولا کہ فضائل پڑھنے 10 خطبے ہیں جناب مسلم ابن عقیل اس میں سے ایک حصہ پڑھنا ہے اگر آپ راضی تو پڑھ دو آدھا گھنٹہ ہو مجھے پڑھتے ہو کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے نا ٹھیک ہے تو 10 خطبے ہیں سرکار مسلم ابن عقیل کے پورے قرآن مجید میں ٹھیک ہے دا 8 مرتبہ لفظ مسلمین لفظ اسلام آیا ہے پورے قرآن میں اور 22 مرتبہ لفظ مسلمین آیا ہے
اور دو مرتبہ مسلمہ آیا ہے اور اس کے ساتھ ملتے ملتے جو سیم روٹس ہیں اس کے الفاظ کئی دفعہ آئے ہیں ٹھیک ہے اور قرآن نے بلا آواز دی بلا یہودی اور بلا نصرانیہ انہو کان مسلمہ حنیفہ مسلمہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے ماشاءاللہ اور نہ ہی وہ عیسائی تھے بلکہ وہ مسلمان تھے ماشاءاللہ اور پھر انبیاء نے بھی کہا توفنی مسلم اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو مسلمان ہوں یعنی ہر نبی مسلم ہے مقصد جو الحقنی بالصالحین اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ساتھ بالکل ساتھ رکھنا اب صالحین کی میں تشریح کروں گا تو ٹھیک ہے سب سے پہلے جب سلام کرتے ہو سرکار ابو الفضل العباس کو کیا کہتے ہو السلام علیکم یا ابا صالح اے صالحین کے بابا عباس صالحین کے بابا ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صالحین کے ساتھ رکھنا سرکار مسلم ابن حکیم ایک بات کرتا ہوں اگر وہ بات آپ تک پہنچ گئی تو خطبے کے دو لفظ پڑھ دوں گا میں ٹھیک ہے سرکار مسلم ابن حکیم کو کتنے ہزار خط کے جواب میں 12,000 خط آیا تھا کیا وہ سارے خط دشمنوں نے لکھے تھے اور حسین مولا علیہ السلام کے جو لوگ مخالف ہو گئے تھے نا جو درام کرتے کہ ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں زبانی کلام میں ساتھ ہونا مولا نہیں مانتے جیسے پیغمبر اسلام صرف 50 سال گزرے تھے سرکار کو 60 سال 10 ہجری میں سرکار چلے گئے تو 60 سال اس لیے کہہ جاتے ہیں کہ مدینے پہنچے تو سرکار نے گروہ بنایا تھا سارے صحابہ کرام کا تو وہ صحابہ کرام کو بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب والا ہم نبی کے ساتھ ہیں وہ زبان سے نہیں کہتے تھے اور پھر جب مرنے کی بات آتی تھی تو سارے تلواریں لے کے نبی کے سامنے کھڑے بھی ہوتے تھے اور وہ اور لوگ تھے جو بعد میں ملے تھے آ کے جو احد میں بدر میں سلامت رکھے تو اب نبی پاک کو جو زمانہ تھا 50 سال میں کیا امت کو ہو گیا تھا کہ حسین حسین کر رہے ہیں اور حسین علیہ السلام کو 12,000 خط لکھا گیا اور 12,000 میں سے کوئی بھی وہاں تیار نہیں ہوتا سوائے جناب حبیب ابن مزار کو چار بار اور بندوں کے ماشاءاللہ زبان سے دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ دو تین کام ہے یہاں وہ چلا کبھی موقع ملا تو پوری تفصیل سے لالچ بھی تھا منافقت بھی تھی ہپوکریسی جنہیں کہتے ہیں منافق اور ڈر بھی تھا خوف لالچ اور منافقت نے اچھے بڑے لوگوں کو حسین کے ساتھ ملنے نہیں دیا لیکن حسین ابن علی نے صرف 72 کو چنا تھا جنہیں اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اور پھر ایک اور گزارش کر دوں شاید خود بنا پڑ سکتے تو میں گزارش کرنا بہت ضروری مولا اس کو اگر بتا دیں مدینے جب چلے تھے تو سو مینی پورٹرز کلی جنہیں کہتے ہیں وہ سامان اٹھانے والے ان کو بھی مولا حسین ساتھ لے کے چلے کہ آپ ہمارے ساتھ مزدوری کریں ہم نے کوفے جانا ہے جب ہم کوفے پہنچ جائیں گے تو ہم آپ کو آپ کا پیسہ کرایہ رینٹ دے دیں گے آپ واپس آ جائیں ہمیں چھوڑ کے ٹھیک ہے تو جب ان کو لے کے جا رہے تھے تو جب مدینے مکہ پہنچے احرام توڑے تو وہاں جب احرام توڑ کے سرکار نے اپنا کوفے کا ارادہ کیا تو جناب حور نے آ کے روکا تو وہاں کوفے کا پلان ختم ہو گیا کربلا جانا تھا اب امام حسین علیہ السلام نے یہ جو آپ پورٹر کا کام کرتے ہو یہ جو آپ ٹیکسی کا کام کرتے ہو یہ جو آپ بہنوں کے اوپر سامان کا کام کرتے ہو امام حسین علیہ السلام اگر تم حسینی ہو تو اس جملے کو کبھی ادھر ادھر 2-4 پینس کے لیے 50 پینس کے لیے ایک پاؤنڈ کے لیے ادھر نہ کرنا حسین ابن علی نے ان سارے پورٹرز کو پوری مزدوری دے کے کوفہ تک کی اس بات پہ تم نعرہ لگاؤ تو سمجھ آتی ہے نا اس بات پہ نعرہ لگاؤ سمجھ آتی ہے پوری مزدوری دی مولا حسین علیہ السلام اور کہا کہ ہمارا کام جانا ادھر تھا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے اب تم جا سکتے ہو اور جتنے پورٹر تھے کہا حسین ابن علی مزدوری اور تیری برکت کے لیے لے لیتے ہیں لیکن اب مجھے کون چھوڑے غلاموں کو سارا سلیو کے ہوتے تھے ایک اور بتاؤں آپ کو بات
ये बड़ा चर्चा करते हैं इस्लाम में स्लेव होते हैं, इस्लाम में वो कनीजी होती है, फलाना होता है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होता ना, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, गोरे बड़े अच्छे हैं, गोरे बड़े चंगे हैं, गोरे बड़ा प्यार करते हैं, कितना प्यार से माशाल्लाह ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, नहीं वो थूक भी बड़े प्यार से लगा रहे होते हैं और बड़े प्यार दाल लगा रहे होते हैं, पूरे इस्लाम को और पूरी दुनिया को तबाह भी कर रहे होते हैं। इनके साथ दुनिया में बदमाश कोई नहीं है, इनके साथ पता दुनिया में चोर कोई नहीं है, मीठी जहर है ये लोग। जॉन उनको कहा अब ऐसे है क्योंकि हमने यहाँ जंग लड़नी है, तो लिहाजा तुम लोगों को मैं अल्लाह की राह में आजाद करूं, मेरी तरफ से तुम फ्री हो, तुम आजाद, तुम जाओ वापस। दो मुहर्रम को वहां पहुंचे थे, दो मुहर्रम छुट्टी कर दी। अब गुलाम मौला इधर से आते हैं तो इधर छुप के काम कर रहे होते, इधर छुप के काम कर रहे होते हैं। दस मुहर्रम को मौला ने बकायदा डांट के कहा, तो कभी हुसैन ने मेरी डांटते ही नहीं, सत्तर अल्फाज में कहा कि खबरदार तुमने शहादत नहीं देनी है, तुम गुलाम हो, तुमने बिल्कुल शहादत नहीं देनी। तो इसलिए तवज्जो देखिए, सुनिए जुमला खुदा के लिए। तो जब जनाब उनमें से जनाब जॉन आगे आ गए, बाकी भी गुलाम थे, जॉन भी आगे आ गए, कहा मौला मैं तो उस वक्त से मेरी नियत कर ली थी मदीने से चलते हुए, जो कुछ भी हो जाए मैंने हुसैन को नहीं छोड़ना, बातों से हुसैन नहीं मानना, आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद, बहुत तवज्जो करके बैठे, बातों से हुसैन को नहीं मानना, हुसैन हुसैन करते हो ना, हुसैन कहता है सजदे में मुझे पुकार, सजदे के 72 अदद बनते हैं और 72 वाला मैं हुसैन हूं, रकू बाबा अली का है, क्या मोहम्मद का है, तशहुद हसन की है और नीयत ज़हरा की है, की कसम अगर मोमन को नमाज की पहचान हो जाए तो मोमन मुसल्ले से उठ नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा का है और रकू अली का है, जहाज पर रकू खत्म होता है, एंड पे खत्म होता है ना, वहां से अली एंड पे शुरू होता है। मैं और कहीं में चला जाऊं जल्दी से, मैं इसको ये पूरी नमाज पवित्र बात है बेशक। अच्छा क्यामत वाले दिन में ना सबकी हकीकत खुल जाएगी कि मुस्तफा क्या है, अली क्या है, ज़हरा मौला हसन क्या, हुसैन क्या है। क्यामत वाले दिन भी जनाब सैयदा की हकीकत नहीं खुलेगी। आपको शेर याद आ रहा है, हैदर अगर नमाज है तो नियत है फातिमा, और नियत कभी नजर आई, और शरीयत में गुनाह है, शरीयत में मना है, शरीयत में नमाज बातल हो जाती है, अगर ये कहा जाए कि मैं फुलां इतनी रखते मुंह काबा की तरफ करके बैनियत करता हूं, ये नहीं बोला फरमाते हैं, सिर्फ ज़हन में सोच लो कर क्या रहे हो, ये है ज़हरा, ये नियत है ज़हरा। पर क्या आए तो करे जॉन को, कई और निकल जाए जॉन को सरकार जो, मैंने कहा मैंने नहीं जाना सर, मैं नियत में रख लिया था, मैंने नहीं जाना, छोड़ना ही नहीं आपको, मैंने कहा, मैंने कहा आपने शहीद नहीं होना, कहा क्यों बोला कुछ तो बताइए, का इसलिए कि जब बंदा मैदान में जाता है तो मैदान में जाकर के अगले के सामने रजिस पढ़ना होता है, मीन अपना फैमिली ट्री बताना होता है कि मैं कौन हूं, मेरा डैड कौन है, मेरा डैड ग्रैंड डैड कौन है, कौन लोग हम, मैं किस ब्लड लाइन से हूं। तो क्योंकि तू गुलाम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि हुसैन ने गुलामों को लड़ा दिया, काम बोला ज्यादा तो दे देना, तलवारें तेज करने वाला था ये, और याद तो दे, कहा मुझे पता है आप इसलिए जब लड़ने दे रहे काले हैं कि सबसे बदबू आती है, मैं ये बात नहीं है, मैं हुसैन का वादा करता हूँ, क्या मैं तक तेरी लाश से खुशबू आई, तू क्या समझता है, जाओ कहा मौला फिर लड़ने गए जाते वहां, खुदा की कसम वहां जाके ये वाहिद गुलाम है जिन रजिस पढ़ा, अब वो क्या कहता है,
بنو امیہ کے دسترخوان پہ پلنے والے کیڑوں آؤ دیکھو حسین کا جون غلام لڑنے آیا ہے حسین کا غلام ہونے کا فخر مت یہ مت چھپایا کرو اپنے آپ کو لوگ پوچھنا مارکیٹوں میں جاتے ہو اپنے دوستوں میں پارٹیوں میں جاتے ہو تو سب چھپاتے رہتے ہو یہاں آتے ہو تو ہاتھ ایسے ہوتے ہیں وہاں جاتے تو ہاتھ ایسے ہوتے ہیں فخر سے کہا کرو ہم حسین کے باطمی ہیں ہم حسین کے غلام ہیں ہم حسین کو چاہنے والے ہیں جس کے اندر جرات ہی نہ ہو میرے مولا حسین کا فرمان ہے وہ بندہ بندہ نہیں ہے وہ بندہ عزت والا نہیں ہے وہ بندہ سلام کے لائق ہی نہیں ہے وہ بندے کو بندیائی سے نکال دینا چاہیے جس کا کوئی دشمن نہ ہو شیعہ کوئی نہیں ہے یا یزیدی ہے یا حسینی ہے ذرا مل کے ذرا مل کے ذرا دیکھیں نا آپ اتنا گھر میں شور کرتے ہو چیختے ہو اتنا سا سادن لینے کے لیے ذرا مل کے کہو نا لبیک یا حسین محبت سے کرتے ہیں مولانا تھوڑی تبلیغ بھی کریں ہمارے بچے نماز بھی پڑھیں انہیں تکلیف ہوتی ہے
परेशानी होती है। बहुत सारे बुजुर्गों को ऐसा होता है कि हम जवानी में नहीं कर सकते थे, हमें कुछ कहने वाला नहीं था कोई, लेकिन हम आपको कहने वाले हैं, खुदा के लिए नमाज पढ़ें, खुदा के लिए इस मस्जिद को आबाद करें। ये मस्जिद सबसे ज्यादा दो चीजें शिकायत करेगी, कुरान और मस्जिद। जुमा होता है, जुमे में तशरीफ लेके आए, जुमे रात का दुआ कमरे में तशरीफ लाए, बच्चों ने मातम का प्रोग्राम रखा, बच्चों के साथ मातम के लिए खड़े हो। जब आप उन जैसे हो जाएंगे तबलीग का तरीकेकार होता है। एक सैयद अली काजी नजफ के बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, और वो मुज्तहिद इतने बड़े थे कि एक बहुत बड़ा डाकू था, कासम नाम का, चोर था बहुत बड़ा, और वो सारा दिन छुपता था। इतना बड़ा चोर था कि जब कहीं गुजरता था तो लोग उसे देख के पूरा पूरा बाजार खाली हो जाता था, इतना बड़ा अटैशी उसकी डाकू की थी। और वो डाकू सारा दिन छुपा रहता था, तो जनाब काजी अली सैयद अली काजी ने शाम को नमाज मगरब के बाद उस गली से गुजरना होता था, वो छुपे हुए मकान से दौड़ के आता था, सैयद अली काजी का हाथ पकड़ता, बोसा लेता, गोड़ों को हाथ लगाता, हाथ लगा के सलाम करता, चला जाता, कोई बात नहीं करता, चला जाता था। लोगों ने शिकायत की, सरकार आप इसको क्यों नहीं कहते, ये नमाज नहीं पढ़ता, हरम में नहीं आता, नजर में रहता है, चोरियां क्यों नहीं छोड़ता, ये क्यों नहीं करता, ये तब मौलाना ने फरमाया मुझे पता है जब मैंने कहना है, डोंट वरी। एक महीना, दो महीने, साल पूरा वो सलाम करता रहा, साल पूरा सलाम करता रहा, साल पूरा आके वो हाथ घुटनों को लगाता रहा, प्यार देते रहे, करता रहा। एक दिन आकर के उसको पकड़ लिया, कहा तुम हर रोज मिलते हो तो, और मिल करके तुम बोलते ही नहीं चले जाते हो। कहा सरकार आप आए आलम दीन, हम हैं डाकू, हमारी जरूरत नहीं होती कि अली का जिसके सीने में इल्म हो। हम उसका किससे किस तरह बात करें, हरम क्यों नहीं जाते, सरकार आप उसके सामने बात नहीं कर सकते। सुना है अमीर मोमिन के जरिए जो जाए वो सुनते भी हैं, बात भी करते हैं, वहां कैसे करेंगे, जुनत है हमारी। अच्छा तो दूसरा कर तो नमाज तहज्जुद पड़ेगा, हमारे तहज्जुद सरकार आती भी इतनी सही तरीके से नहीं है, तो कैसे पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया बस मैंने कह दिया तुझे नमाज, सरकार मैं तो सो जाता हूँ, सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं मैं तुझे खुद उठाने आऊंगा। अब मैं बसा भी छोड़ रहा हूँ, वो भी मैं छोड़ रहा हूँ, कल तशरी कर दूंगा, मुझे याद करा देने का वजू वाले बात। अच्छा सरकार आप सारा सोया नहीं, जब नमाज अदा कर थोड़ा सा टाइम लगा ना आंख लगी, वो खुद कहता है कि मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने आगे उठाया, अंदर इरादा बना लिया था नमाज तहज्जुद, मुज्तहिद से वादा कर लिया छोड़नी नहीं है, उठा नमाज पढ़ी। नमाज कैसे पढ़ी उस वक्त, तो ये तो टूटियां वूटियां तो नहीं होती थी ना, नलके तो नहीं होते थे, कुआं होता था, हौज होता था, वजू करने गया देखा अपना सारा चेहरा उसमें नजर आ रहा है, जैसे चौथे इमाम वजू करने जाते थे, रंग जर्द पड़ जाता था, रोया का परवरदिगार डाकू तुझे सजदा करे, कैसे करूं, जरूरत नहीं पड़ती। खैर वजू किया, नमाज पढ़ते 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 ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा मुआहद हुआ, आलम दीन बना, फिर नजफ क्या पूरा इराक हर बीमारी का इलाज उसके जूठे पानी से करता। कुर्बान जाओ सरकार मुस्लिम इब्ने अकील, तेरी इज्जत पर तूने भरे दरबार में हुसैन को कहा था, जब जालिम ने तुझे कहा सलाम करो अमीर को, तो सरकार ने फरमाया था ना मेरा कोई अमीर नहीं, माली अमीर सिवन हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है हुसैन के। जब ये कहा ना मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन के अलावा, तो मौला ने बोला अब्बास को हवा के दोष में जो आवाज आई सुना के कहा अब्बास मैं तुझे गवाह बना के कहता हूं पूरी कायनात में लोग मुझे गरीब कहेंगे, मुस्लिम को लोग अमीर कहेंगे, लोग कहेंगे अमीर मुस्लिम का कानून, अमीर मुस्लिम की मजलिस। सारा दिन का थका हुआ, चार शहीद हैं मौला के करबला से पहले, हानी इब्ने उरवा है, दो और लोग हैं और सरकार है, चार शहीद है करबला कुफा करबला से पहले। माफी चाहता हूं ज्यादा ले गया, अब तक मुझे खत्म कर देना चाहिए था, माफी चाहता हूं, आज मुझे माफ कीजिए, कल मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, मसायब है।
सरकार ने सागर कूफे में जब कोई ठिकाना ना मिला, थक के एक दरवाजे पर बैठे, आधी रात का वक्त हुआ, एक मोमना का दरवाजा था, मोमना दरवाजा खोल के कहा, बंदा है खुदा, कूफे के हालात ठीक नहीं है, अपने घर जा, क्योंकि इजाजत नहीं थी, शरीयत के बानी का एतमाद था। खड़े हो गए और खड़े होकर जाते हुए जुमला कहा, बीबी ने सुन लिया, कहा बीबी जिसका घर ही ना हो, कहा जुमला ने कूफे के हालात ठीक नहीं है, मेरे मौला का, अच्छा बनू हाशम का ये वतीरा था, जब कभी उठते थे ना, उठते हुए ये जुमला कहते थे, अदरकनी या अबल हसन, हम कहते हैं या अली मदद, वो कहते हैं या अबल हसन अदरकनी। जब ये जुमला कहा तो बीबी ने कहा, रुक जा जवान, रुक जा, क्या कहा, तेरा घर कोई नहीं, कहा मेरा कोई घर नहीं, कहा अबल हसन को आता रहे वो अबल हसन, अबल हसन को जानते हो, कहा जैसे मैं जानता हूं कोई नहीं, अच्छा पर तू तो अतार अबुल हुसैन, मेरे मौला हुसैन को जानते हो, कहा जैसे मैं जानता हूं कोई नहीं। बीबी ने थोड़ा सा दरवाजा खोल के कदम आगे बढ़ाया, बढ़ा के काचा पर ये बताओ, मेरे हुसैन के सफीर को जानते हो, अब एक लम्हे के लिए मुझे देखना, हाथ सीने पर रख का आना सफीर हुसैन, कुछ जालिमों के घोड़ों के दौड़ने की, फौजों की आवाजें, सरकार मुस्लिम ने घर छोड़ा। बीबी कहती है, मौला क्या वजह है, क्यों जा रहे हो, कहा नहीं मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि आपके घर में दुश्मन की दर्राना फौजें घुस आए। मौला मुस्लिम आप तो आज कूफे में है ना, गैरत गवारा नहीं करती किसी मोमना के घर में। मौला करबला में अमीर मोमिनीन की बेटी थी, उसका खैमा था, शिबर कमीना, सर से चादर नेजे से उतार के, अज़रकुम अल्लाह, और जल्दी करता हूं, जंग शुरू हुई, अकेले खिलाफ मुस्लिम ने 4,000 का लश्कर, फिर 4,000 का लश्कर, फिर 4,000 का लश्कर, जंग होते 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 अब जंग इस कदर बढ़ गई कि सरकार पे काबू नहीं पा सकते। जब काबू नहीं पा सकते, कोई जालिम छुप के तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, जिसका बस नहीं चलता ना, हरामजादियां घरों की छतों पे आग के अंगारे लेके, गर्म पानी लेके हुसैन के गरीब सैयदजादे गरीब सफीर पे फेंकते, पीछे गड़ा खोदा गया, उस गड़े में जनाबे मुस्लिम को पकड़ने के लिए, जब गड़े में गिरे, चारों तरफ से घेर लिया, घेर के मिला तश्मी, मुझे माफ करना सादात, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, मोमिनीन आप बड़ी इज्जत वाले हैं, आपका दिल दुख जाता है, मुस्लिम सरकार के सफीर के हाथ बांध दिए, हाथ बांध के रस्सियों से जकड़ के दरबार में लेके आए। जब दरबार में लेके आए तो कहा सलाम करो अमीर को, मेरे मौला ने फरमाया माली, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। उस जालिम ने क्या किया होगा, उस सरकार की हालत क्या थी, खुदा जानता है, ऊपर के दो दांत टूटे हुए थे, किसी जालिम ने जब गड़े में गिरे तो पत्थर मारा था, दोनों गाले दोनों खद्दों खाल जख्मी थे, पेशानी में तीरों के निशान थे, दाएं की जुल्फे बाएं थी, बाएं की जुल्फे दाएं थी, कहा कि हम आपको कत्ल कर, कोई बात हो, सरकार ने फरमाया कुछ मेरा कर्जा है जरा बेच के अदा कर देना, ये मोमिनों हमें पैगाम था मरने से पहले अपना कर्जा खुद अदा करके जाना है,
ये पैगाम दिया जनाबे मुस्लिम ने, कहा मेरे नन्हे नन्हे दो बच्चे हैं उनको मामू के पास भेज देना और मेरे आका हुसैन को कहना कूफे ना आए, कूफे बड़े बड़े बेवफाए, कूफे वाले बहुत अलग करते हैं। ये मेरे मौला की वसीयतें थी। आखिर मेरे मौला को सरकार मुस्लिम ने यकीन को दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया। दारुल अमारा की छत पे ले जाके जल्लाद को कहा तलवार चलाओ, सरकार ने कहा मेरे हाथ भी बंधे हुए पांव भी बंधे हुए हैं, मुझे दो रकत नमाज पढ़ने दे। अब जल्लाद कहता है तुझे इस वक्त भी नमाज है, मौला के चाहने वाला तेरे घर में मैयत हो जाए तू नमाज के नजदीक, कहते तुझे क्या पता है यही तो नमाज है जिसके लिए मैं कुर्बान हो रहा हूँ। अब जब अल्लाह खैर वो इरादा करता है तलवार चलाने का, तलवार गिर जाती है, फिर इरादा करता है फिर गिर जाती है, फिर इरादा करता है, इतनी देर में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैहि दौड़ के ऊपर चढ़ता है, कहता शर्म नहीं आती है, इतनी देर हो गई सख्त से जुदा क्यों नहीं करता, कहता बदबख्त जैसे इरादा करता हूँ मदीने वाला मोहम्मद तेरी मर्जी है ना, तेरी मर्जी है तू हाय कर ना कर कोशिश कर रोना भीख मांगना, मदीने वाला मोहम्मद आ जाता है सर से इमामा उतरा हुआ होता है और मुझे मुस्तफा रोक के कहते हैं मेरे हुसैन के ज़मीर का कसूर है। अज़लुक मालूम है तो अपना जल्लाद बदल ले, मैं नहीं कसर कर सकता, कुछ रवायते हैं भी जल्लाद बदला कुछ है कि वही जल्लाद था, पर उसने इरादा किया था एक लम्बे के लिए रुक जा। अब क्या हुआ, बाजू बंधे हुए रस्सियों में झगड़ा हुआ, अली का शेर सीना तना हुआ और जुबान पे हुसैन हुसैन जारी, नीचे देखा लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं, कूफे वालों को आवाज देखा कूफे वालों तुमने अपने बच्चों को कंधों पे उठाया हुआ, कल नन्ने नन्ने मेरे दो बच्चे भी आए, कूफे वालों उनका ख्याल रखना, ये पैगाम दिया, उसने तलवार चलाई, जैसे तलवार चलाई उधर किसी मंजिल पर हुसैन इब्ने अली ने रेत को कुर्सी बनाई, कहा अब्बास मेरे करीब आओ, अब्बास करीब आए दोनों उंगलियों का इशारा किया, इशारा करके कहा अब्बास मेरी उंगलियों में देखो, जैसे मौला अब्बास ने देखा जल्दी से हुसैन के कदम चूम के कहा मौला जल्दी कर, मौला हुक्म है इमाम ने मुझे कूफे पे, आका मुझे कूफे पे, मेरा अकेला भाई मारा जा रहा है, मौला ने फरमाया नहीं अब्बास जंग नहीं करनी, अब्बास कहा मैं जंग नहीं करूंगा, मौला फिर कूफे अब्बास कूफे क्यों जाना चाहता है, मौला इसलिए कि मेरे भाई का सर कट चुका है, उसके गिरने से पहले पहले अपनी गोद फैलाऊंगा, अपने मुस्लिम भाई का सर गोद में लूंगा, मौला फरमाते फर्श पे देख, जैसे ही फर्श पे देखा एक काले फुरके वाली बीवी आए सर कटा, लाशा जमीन पे गिरा, सिक्स स्टोरी थी वो बिल्डिंग, आपको सोचे इतनी ऊंची ऊंचाई से अगर गिरे और नीचे बिल्कुल फर्श हो तो जनाब मुस्लिम की सारी हड्डियां टूट गई। उन्होंने एक और काम किया, पांव में रस्सियां डालेंगे, पांव में रस्सियां डाल के कूफे के सारे बच्चों की गोदियों में काले काले फूल दिए। अब मैं वो लफ्ज नहीं पढ़ सकता, हम गैर से लेना हमारी जरूरत नहीं है, कूफे की उन गलियों में, कूफे की गलियों में मुस्लिम की लाश को मिलाते जा रहे करोने वालों। ये लाश को देख करके एक बीबी है जो बीस में तमार की जौजा है और वो बीबी देख के दिल ही दिल में कहती है मौला मुस्लिम मैं मर्द होती मौला कभी तो ये थक के हराम लादे फेंकेंगे ना, मौला मैं तेरी लाश का दफनाऊंगी जरूर, आधी रात का वक्त हुआ इन्होंने मस्जिद कूफा के पीछे जनाब मुस्लिम की लाश को फेंका, बीबी ने अल्लाह जाने कितने मुश्किल हालात में कब्र बनाई, बीबी ने कब्र बना के जैसे ही देखा कब्र बन गई है, लाश भारी है मुझसे दफन नहीं हो सकती है, रोने वाले बीबी ने याद आए मैं देखा एक साया आता हुआ दिखाई दिया, बीबी कहती खबरदार आगे ना बढ़ना, कमीज में तमार की
بیتلوری میں ہانی کی لوجہ دونوں مل کے دفناتی ہیں, دفنا دیا قبر بنا دی. ادھر قبر بنی, کب شہید ہوئے تھے؟ 9 ذوالحج کو. 10 کا عید کا دن پورے, 10 دن پورے, 20 دن یہ گزرے. 21 دن کے بعد کربلا کی جنگ شروع ہوئی. 10 محرم کو جنگ ختم ہوئی. 12 محرم کو آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا. مہینے سے ایک دو دن زیادہ ہو چکے تھے نا, 12 محرم کو قافلہ پہنچا. اب وہ بی بی جناب ہانی کی زوجہ کہتے چلو میرے ساتھ چل, تو میری بہن میرے گھر میں زندگی گزارتا نہیں جب تک مدینے سے کوئی وارث نہ آ جائے, میں جاؤں گی نہیں. میں کہتا ہوں ہائے غربت, آل محمد حسین تیرے سفیر کو عورتوں نے دفنایا, پھر بھی الحمدللہ دفنانے والا کوئی تو تھا نا, حسین کا لاشا بے گھوڑے کفن پڑا رہا. اچھا آخری والوں نے مولا کا لاشا دفنا دیا کیا؟ 12 محرم کی آدھی رات کے بعد آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا. جیسے کوفے پہنچا نا, جو جناب مسلم کی جیسے شہادت ہونے والی تھی, تو حسین نے دونوں بچیوں کو بلایا تھا نا, بلا کر کے ایک کو دائیں زانوں پر, ایک کو بائیں زانوں پر. اما فضا کو کہا وہ یمنی در لے کے آؤ. بی بی در لے کے آئی, ایک بی بی کو در پہنائے, دوسری کو پہنائے, سر چما. دونوں نے رو کے کہا مامو آج یتیموں والا پیار. اور بی بی سکینہ سن رہی تھی اور سن کے کہا ہاں جب بندہ یتیم ہو جاتا ہے تو نئے نئے در ملتے ہیں نا. ہائے سکینہ کربلا, جب تو یتیم ہوئی تھی تجھے در ملے نہیں, تیرے در چھینے گئے. اچھا آخری جملے بننے والوں, ادھر کوفے کے صدر دروازے کے سامنے قافلہ پہنچا. جیسے وہاں قافلہ پہنچا نا, چھوٹی بچی ہے جس کا نام رقیہ ہے, جناب مسلم کی بیٹی ہے, ایک کا نام سکینہ ہے, ایک کا نام رقیہ. رقیہ نے رو کے کہا یا امی اما جان اشم ریحان طیب لبی, اما مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, تیری مرضی ایسی نے بہار مار نہ مار, تو امی یا حسین یا حسین یا حسین.